तीन मई को हम पीसफुल मार्च कर रहे थे कि जो मेईतेई के रेडिकल ग्रुप ने उन्होंने वहाँ पे हिंसा शुरू, जो जमीन है हड़पना चाहते हैं। क्यों हम बाहर से नहीं आए हैं, हम भारत के निवासी हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे वो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ाई किया है। 5 साल के बच्चे जो जिसका खेलने कूदने का जो उम्र है, आप बताओ वो घर को जलाएगा? केंद्र सरकार के ऊपर हमारा जो विश्वास है बरकरार है, लेकिन जो विश्वास है हमारे जो राज्य सरकार मणिपुर है उसके ऊपर हमारा विश्वास है उड़ गया है, वो कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं शिखा अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। एक खबर जो हमने लगातार आपको दिखाया है किस तरह से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे दो समाज के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, एक कुकी और एक मैथी। हालांकि पहले कुकी और मैथी, पहले मैथी फिर कुकी आ रहे हैं, लगातार अपने अपने मांगों को लेके, अपनी अपनी दिक्कतों को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले मैथी वाले आए थे और आज फिर से कुकी वाले यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए, इनके पोस्टर पे अगर एक बार आप फोकस करेंगे, कुकी लीव्स मैटर स्टॉप एथनिक क्लीजिंग, मतलब ये जो लिखा हुआ, ये कह रहे जो कुकी है वो मैटर करते हैं। हम इन लोगों से, इनके स्पोक पर्सन से बात करेंगे कि क्या दिक्कत है। जैसा कि हमें मालूम है कि अमित शाह वहाँ गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे क्या कुछ हुआ, हम इनके स्पोक पर्सन से बात करेंगे। आपको जैसा कि बताया कि पहले कुकी समाज फिर मैथी समाज लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, कभी इन लोगों में एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पहुँचेगा। हालांकि आपको बता दें, अमित शाह वहाँ पे गए थे और क्या कुछ, आप लोग आज अमित शाह के घर के भी पास गए थे? हम अमित शाह जी के घर गए थे और हमने उसको मेमोरेंडम भी सबमिट किया है। हमारी काफ़ी जो डिमांड्स है तो हमने उनको मेमोरेंडम सबमिट किया है, वो करके आए हैं। घर पे गई थी, हम गए थे उनके घर पे और हमने उनको मेमोरेंडम सबमिट किया है, उनको दिया है मेमोरेंडम। फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, इतने लोग मारे जा रहे, इतना घर जलाया जा रहा है, बच्चे को शूट आउट किया जा रहा है, क्यों, ये सबका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार है जो हमारे केंद्र सरकार के ऊपर हमारा जो विश्वास है बरकरार है, लेकिन जो विश्वास है हमारे जो राज्य सरकार मणिपुर है उसके ऊपर हमारा विश्वास है उड़ गया है, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो स्टेट फोर्सेस, स्टेट मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमारे घरों को जला दिया गया है, 5 साल 7 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये हमारी मांग है कि, लेकिन आपने कहा कि केंद्र पे विश्वास है लेकिन राज्य से उठ गया, लेकिन सबको मालूम है कि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मैथी समाज के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमारा तो नेवर, हमारा जो प्रॉब्लम है कभी केंद्र सरकार के नहीं है, ठीक है। और जो बीजेपी सरकार है मणिपुर के, तो ये जो है जातीय सफाई वो कर रहे हैं ना, उनके उनके मदद से ही तो हो रहा है जो जातीय सफाई केंद्र, जो हमारे होम मिनिस्टर का तो कोई रोल है, तो होम मिनिस्टर जब वहाँ जाते हैं तो कुछ बदलाव होता है या वैसा ही है? होम मिनिस्टर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमित शाह जी से, अमित शाह जी को, कि वो मणिपुर गए हैं, वो हमारे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी गए हैं और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिया है और मैं धन्यवाद उनको देना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला कि 15 दिन शांति बनाए रखना चाहिए, हमने तो शांति बनाया है, हमारे जो कोकी जोमी के जो CSOs है, हमारे लोग हैं, उन्होंने शांति बनाया, लेकिन उन्होंने शांति नहीं बनाया है। इसके जो 15 दिन का अमित शाह जी ने बोला है, 15 दिन शांति रखो, इस 15 दिन, अभी भी जो 15 दिन है जब से वो मणिपुर से आए हैं, अभी भी वो हमला कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। तरफ से या दोनों तरफ से? उनके तरफ से हमला हो रहा है, घरों को जला दिया गया है, 5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 7 साल के बच्चा को भी नहीं छोड़ा, उसके माँ को जला दिया गया है। 5 साल का बच्चा घर जला रहा है उनका। आप बताइए मैडम, एक कॉमन सेंस, आप दिमाग सोचिए, 5 साल के बच्चे जो जिसका खेलने कूदने का जो उम्र है, आप बताओ वो घर को जलाएगा? आप बताओ वो बंदूक उठाएगा? बताओ, ये झूठा इल्जाम ना,
ये झूठा इल्ज़ाम, उनको तो शर्म आना चाहिए, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे कुकी जोमी के लोगों के खिलाफ भी किया है। तो किसको फायदा हो रहा है? देखो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर किसका फायदा हो रहा है इस लड़ाई से? देखो मैम, फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा। आप जो कॉमन जो है, हमारे जो कॉमन पीपल है, वीमेन चिल्ड्रन आर सफरिंग, और जो सफरिंग है अभी भी बरकरार है। ये जब से अगर ये हमारे ऊपर हमला ख़त्म करेंगे तो बस पीस विल कम, नो दे शुड स्टॉप अटैकिंग अस। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मैथिली समाज की कुछ रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, उन लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि मतलब जो कुकी समाज के लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग को मार रहे हैं और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है कुकी से, लेकिन हमें दिक्कत है उन लोगों से जो बाहर के जो लोग आ गए हैं और वो लोग हथियार रखते हैं, ड्रग्स रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम भारत के निवासी हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे वो देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई किया है, और हम देश के बाहर से नहीं आए, हम भारत के निवासी हैं। नंबर टू, आप क्या बोल रहे, ड्रग के जो प्रॉब्लम है ये है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो राज्य सरकार है इसका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर वो प्रॉब्लम है तो जाके उनको संभाले, इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आपको हक नहीं बनता है कि बोलने के लिए कुकी जोमी लोग ये कर रहे हैं, इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और वो उनको इसके ऊपर उनको जांच करना चाहिए। ये सही बात है, इन्होंने कहा कि जब अगर सबको मालूम है कि वहाँ पे ड्रग्स या ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के नज़र में तो होती है चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए और इस तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा NRC कैब लागू किया जाए, तो हमने उनसे सवाल भी पूछा था, ये तो सरकार का मामला है, इसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, मैथे ही कुछ अलग बोलते हैं, जब हमने पूछा इसकी वजह क्या है तो वो लोग कुछ अलग बताया, आप बताओ कि इसकी वजह क्या है? ये वजह ये है कि वो हमारे जो ज़मीन है हड़पना चाहते हैं, ये इसके वजह है। और ये हमारे जो जातीय सफाई कर रहे हैं, दे आर एथनिक क्लेंसिंग, दे आर जस्ट टारगेटिंग, जो हमारी कुकी जोमी के जो आदिवासी लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं, इसके वजह से इतना हिंसा हो रहा है। बस मुझे वो पहला दिन बताएं जिस दिन किसने शुरू किया और क्या था, हो सकता है आप लोगों ने शुरू किया होगा, जितना मुझे पता है। मैथे ने बताया कि हम लोग ST में आने की मांग कर रहे थे, तो इन लोगों को बुरा लगा और इन्होंने हमारे, उन लोगों ने बोला कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने हमारा घर जला दिया। देखिए, जो ST डिमांड है, हमने ये बोला है कि जो मेईते का कम्युनिटी है वो पहले सम ऑफ देम आर एंजॉयिंग SC स्टेटस, OBC स्टेटस, और हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने ये बोला है कि रिकमेंड क्या है कि मेईते को ST स्टेटस देने के लिए, तो हमने SC में फाइल किया कि ये दिस इज़ रॉन्ग, और SC सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि फैक्चुअली रॉन्ग है। और जो आपने बोला है कहाँ से शुरू हुआ है, जो मई तारीख 3 मई को जो हुआ था, हमने पीसफुल रैली किया था, ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च 3 मई को, और इट वाज अ पीसफुल मार्च। और क्या हुआ था, हम पीसफुल मार्च कर रहे थे कि जो मेईते के रेडिकल ग्रुप ने, उन्होंने वहाँ पे हिंसा शुरू किया, और उस हिंसा से उन्होंने क्या क्या फिर हिंसा उन्होंने इम्फाल वैली में हमारे जो आदिवासी क्यूकी जोमी जो लोग हैं उनके घर जला दिया गया है, उनको मारा दिया गया है, उनको उनके घरों से बेघर किया है। कुल मिला के आपने सुनी, जब भी लोग, जब मेथी समाज के लोग आते हैं वो अलग स्टेटमेंट देते हैं, और इन्होंने कहा कि जब वो लोग ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रोटेस्ट दे रहे थे, मार्च कर रहे थे, तब उन लोगों ने इन पे अटैक किया, इनकी जो प्रोटेस्ट को भंग करने की कोशिश की। हालांकि अभी ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जंतर मंतर पे लोग आ रहे हैं। इनसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि आज जब आप होम मिनिस्टर के घर गए तो क्या आश्वासन मिला, ये कब तक चलेगा, क्योंकि लोग मर रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग मर रहे हैं, और इनसे कहीं ना कहीं हर राज इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग जब जाने जा रही हैं तो चीज़ें इफेक्ट तो होती हैं।
हमारा ये आश्वासन है। नहीं, उन्होंने क्या बोला? हमारे देखो, उन्होंने हमारा जो हमने जाके मेमोरेंडम दिया है, और उन्होंने जो हमारा जो मेमोरेंडम के हमने जो हमारे जो मांगे हैं वो उस मेमोरेंडम में हमने वो मांगे किए हैं, तो वो हमने जाके दिया, और हमारे ये विश्वास है कि वो उस हमारे जो डिमांड है वो उसको पूरा करेंगे। पर फिर भी सवाल उठता है कि इतने लोगों की जाने जा रही हैं, अमित शाह वहाँ पे गए हैं, 15 दिन का वक्त लिया है, 3 मई से इन्होंने बात कही, आज जून हो गया, 1 महीने बीत चुके हैं, लोग यहाँ आ जा रहे हैं। आपको एक बार और दिखाएंगे तस्वीर, इन लोगों के जो हाथ में पोस्टर लिया हुआ है प्लीज सेव कुकी लाइव्स, जो कुकी समाज के लोगों की जान बचाओ, हमारे लोगों की जान बचाओ, यहाँ पे आर्टिकल 356 करके कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इधर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, और ये तमाम लोग जो हैं आ रहे हैं मणिपुर से, कभी मैथई तो कभी कुकी, क्या होगा अभी नहीं मालूम। इन लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया है उसके घर पे जाके, हमारे होम मिनिस्टर के घर पे जाके, अब देखते हैं आगे क्या होता है।